दिस इज लेक्चर 8 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ग्रुप. आवर टुडे टॉपिक इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स. यूनिट 1 स्टूडेंट ओपन पेज 28. ओपन पेज 31. सॉरी ओपन पेज 31 एक्सरसाइज 1.6. बेटे आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे जो बोर्ड के नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इस एक्सरसाइज से आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट आएगा. फर्स्ट पार्ट लॉन्ग जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का उसका दो पार्ट होंगे ए और बी. ए पार्ट जो होगा यूनिट 1 से होगा और वो इस एक्सरसाइज से होगा 100%, और बी पार्ट जो होगा वो यूनिट 2 से होगा. तो यूनिट 2 में उसको बताएंगे कि वो किससे ज़्यादा रिलेटेड है. तो इस एक्सरसाइज की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट आ जाए तो हमें हमारे लिए 4 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाते हैं. तो इसलिए हमने इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से करना है और इसको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा सवाल नहीं है. पहले सवाल के 8 पार्ट हैं और बाकी जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 पांच और सवाल हैं. तो टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको डबल कर लें तो ये 26 बन जाते हैं, क्योंकि हमने इनको दो मेथड से करना है. ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. स्टूडेंट उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने पिछले जो है वो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से कर लिए होंगे. बेटे एक बात ज़रा जहन में रखनी है कि अगर आपके पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी कंप्लीट नहीं है तो पहले आपने प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं और उनको लर्न कर लेना है, फिर ये इस एक्सरसाइज या लेक्चर्स के ऊपर आना है. लेकिन जिस दिन लेक्चर इसका होगा उस दिन कम से कम एक दफ़ा सुन लें, बेशक आप इसको ना कीजिएगा इनके सवालों को. आपने पिछली रूटीन को लेके आना है, लेकिन कोशिश करें कि आप स्कूल के साथ साथ जिस तरह क्लास में काम होता है इसी तरह आप काम करें, वरना आप लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो जाएंगे और हम आगे आगे चलते जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी कि आगे वाला भी करना और पीछे वाला भी. और कोशिश करें कि एक दिन पहले लेक्चर जब शेयर हो जाता है तो उसी दिन इसको सुन लिया करें और नेक्स्ट दिन क्लास डिस्कशन ग्रुप में इसको अच्छी तरह डिस्कस किया करें कि कौन सी चीज़ कैसे है, ताकि जो आपके जहन में कोई भी चीज़ जो अटक रही है वो आसानी से क्लियर हो सके. बेटे इस जो है वो जो ये एक्सरसाइज है इसमें सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के मतलब बताया गया है. सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज. उसकी जनरल फॉर्म मैंने दे दी है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन. ये एक जनरल इक्वेशंस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इस फॉर्म या सॉरी सिंपल लीनियर इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख देंगे. जो कांस्टेंट वैल्यू है वो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे. जो हम यहाँ पे ए बी सी डी एम एन जो है वो रियल नंबर्स पे डिनोट कर रहे हैं, यानी ए बी एम और सी डी एन जो है वो रियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं. दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. वी डिस्कस हेयर फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉल्यूशंस. देर आर टू मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल्स. इस तरह की इक्वेशंस को दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 में से रिलेटेड है. एक मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल है. बेटे ये जेन में रखें कि हम जो एक्सरसाइज 1.6 है उसके सारे सवालों को मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी करेंगे और फिर दोबारा क्रैमर रूल से करेंगे. तो पहले मैं क्या करूँगा कि सारे सवालों को मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के ज़रिए सॉल्व करूँगा, और फिर जब हम सारे सॉल्व कर लेंगे फिर हम दूसरे क्रैमर रूल्स के ज़रिए भी इनको सॉल्व करेंगे. यानी इसका मतलब है टोटल 13 क्वेश्चन है, फर्स्ट के 8 पार्ट और 5 दूसरे, 13 ये हो गए. तो इनको मैट्रिक्स इन्वर्शन से करेंगे फिर इनको क्रैमर से करेंगे, तो ये 26 क्वेश्चंस बन जाते हैं इस एक्सरसाइज के. और बोर्ड में किसी एक से रिलेटेड जो है वो सवाल आ जाता होता है, इसलिए या तो वो क्रैमर से कहते हैं कि या तो इसको क्रैमर से सॉल्व करें या मैट्रिक्स इन्वर्शन मैथड के जरिए इसको सॉल्व करें. मैथड दोनों ही आसान है, मुश्किल नहीं है. तो चले आगे चलते हैं. अब यूज द मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस.
तो अगर ये मुमकिन हो तो इनमें से जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इनको आप जो है वो इन मेथड से सॉल्व करें। तो बेटे पहले मैंने अभी पहले भी बताया कि हम इसको मैट्रिक इन्वर्शंस मेथड से सॉल्व करते जाएंगे, क्रैमर रूल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक इन्वर्शन मेथड का तरीका कर क्या है कि हमारे पास पहला सवाल है 2x-2y = 4, 3x+2y = 6। अभी हमने प्रीवियस में हमने ये लर्न किया था कि ये जो x और y के साथ वैल्यू दी हुई है ये रियल नंबर्स हैं, तो हम इनको किस तरह करेंगे, ये 2-2, 3 और +2, इसको हम एक ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। अब इसके अलावा हमारे पास एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो एक सेट जो है मैंने एक्स और वाई का लिख दिया, ठीक है। और फिर इधर जो है वो क्या है, 4 और 6, इसको मैंने ये कर दिया। अब हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्शंस मेथड से जब हम करेंगे तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पहला मैट्रिक्स है ये ए के बराबर है, एक्स वाई मैट्रिक्स जो है वो एक्स के बराबर है, और बी जो मैट्रिक्स है ये जो है हमारे पास ये 4 और 6 के बराबर है, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है बेटे। अब हम क्या करते हैं कि मैट्रिक इन्वर्शन मेथड का फार्मूला लिखते हैं, और वो फार्मूला क्या है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, जबकि हमने एक्स मालूम करना है यानी एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे ए को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा बी ओवर ए आ जाएगा, तो ए की पावर नीचे 1 है, तो जब वो फ्रैक्शंस के ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी, यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि एक्स जो है ये आ जाएगा बी ओवर ए, यहां ए की पावर 1 है, तो जब वो फ्रैक्शंस के ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो इसको हमने इस तरह लिख दिया a-1b। इसका मतलब है एक्स जो है वो अगर उसकी वैल्यू मालूम करनी है, एक्स मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो ए का आपको इन्वर्स लेना पड़ेगा और फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ये मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है, उसमें एक्स मैट्रिक्स को मालूम करने का तरीकाकार ये होता है कि ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसमें हम ए इन्वर्स किस तरह मालूम करते हैं, ये हमने पहली एक्सरसाइज में किया हुआ था। ए इन्वर्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, तो पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं फिर हम एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हम इस तरह लिखेंगे 2-2, 3 और 2। अब ये डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक दरमियान में माइनस का साइन आएगा, 2 2s are 4, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 3s are 6, तो 4 प्लस 6 ये दोनों मिलके साइन प्लस हो जाएंगे तो 10 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। अब एडजॉइंट कैसे मालूम करना है, एडजॉइंट मालूम करने का तरीका कर ये होता है कि फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू चेंज कर देते हैं, आप क्योंकि दोनों तरफ 2 है तो इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन चेंज करते होते हैं, और सेकेंड डायगनल ये वाला जो डायगनल है इसके साइन चेंज कर देते हैं, तो -2 2 में बदल गया और 3 -3 में बदल गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे ए इनवर्स का 1 ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, तो ये हम लिख देंगे, तो 1 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, ये एडजॉइंट ऑफ a लिख दिया। अब इसको हर वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये हमने एक वैल्यू लिख दी, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशंस 1। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशंस इस वाली इक्वेशंस में पुट कर देंगे, यानी इस वैल्यू को हम इस इक्वेशंस में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू हमने यहां से मालूम की वो वैसे की वैसे लिख दी, और बी जो है 4/6 लिख दिया, ठीक है, तो बी 4/6 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस सेकंड और ये जो मैट्रिक्स है इसको और इसको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 8, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो 8+12 आ गया, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +12, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, और ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बेटे। चले अब नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट यहां पे हमने कर लिया, तो अब हमने क्या कर दिया, ऊपर 20 आ गया हमारे पास और नीचे 0 आ गया, और अब हम इसको क्या करेंगे 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसमें क्योंकि इस तरफ हम x था, x किसके बराबर था, वो एक्स वाई मैट्रिक्स के बराबर था, तो हमने उसको पुट कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आ गई। कुछ बच्चे इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, लेकिन बुक में उन्होंने एंड पे सिर्फ इसी फॉर्म में जवाब दिया हुआ है, तो इसलिए हम भी इसको इसी हद तक ही रहेंगे। ठीक है बेटे, ये बात ज़हन में रखनी है, बोर्ड में भी आपने इसी हद तक जवाब लिखना है, लेकिन अगर वो कहें सॉल्यूशन सेट भी लिखें तो इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आपने इसको पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू आपने लिख देनी है। चले अब इसके सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल भी बिल्कुल पहले सवाल की तरह है और इसको उसी मेथड से हम करेंगे कि ये मेथड है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो 2 1, ये y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई तो 1 कंसीडर होगी, 6 और 5 आ जाएगा और इधर से 3 1 b की वैल्यू आ जाएगी और x y मैट्रिक्स वैसे ही लिख देंगे। तो हमने इसको लेट कर लिया, a इज इक्वल टू क्या हो गया कि a इज इक्वल टू हमारे पास, ये बेटे यहाँ पे कॉमा भी डालना है, a इज इक्वल टू इसमें 2 1 6 5, x इज इक्वल टू एक्स वाई एंड b इज इक्वल टू 3 1, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने दो मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स लेट कर लिए। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या था मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स मालूम करने के लिए हम इन्वर्स a मल्टीप्लाइड बाई बी करेंगे, तो उसके लिए वही तरीका कर रहे हैं कि a इन्वर्स मालूम करने के लिए हम a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो a का डिटर्मिनेंट में डायगनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस अपने पास से लिखा जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 10 माइनस 6, तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई, इसलिए फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है। अब एडजॉइंट कैसे करेंगे, डायगनल की वैल्यू चेंज करेंगे फर्स्ट को, तो 2 ऊपर था नीचे चला गया, 5 नीचे था ऊपर आ गया, और इन दोनों के साइन जो है यहाँ 1 और 6 था, तो इनके साइन चेंज कर दिए। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a, तो ये हमने लिख दिया। अब इसी फार्मूले की वैल्यू पुट कर दें, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 ओवर 4 है और एडजॉइंट ऑफ a ये हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास a आ गई a इनवर्स की, अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को यानी इस वैल्यू को हम इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे इस इक्वेशंस में पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू ये वैल्यू a इनवर्स की है पूरी और ये वैल्यू b की है, तो अब हम क्या करेंगे इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 आर 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो माइनस 1 आ जाएगा, तो 15 में से 1 निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, 6 3 आर 18 वो भी माइनस का, लेकिन 2 1 आर 2 तो 18 में से 2 निकालेंगे 16, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि वैल्यू जो है माइनस की बड़ी है, तो 14 और माइनस 16 मैट्रिक्स आ जाएगा, और इनको हम क्या करेंगे 10 पे जो है डिवाइड कर देंगे, तो 14 को सॉरी यहाँ 10 पे नहीं डिवाइड करेंगे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको किस पे डिवाइड करना है 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो 14 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2s आर 4 और 2s 7s आर 14, तो 7 ओवर 2 आ जाएगा, 14 को 16 को 14 पे डिवाइड करेंगे 4 1s आर एंड 4 4s आर 16, तो माइनस 4 आ जाएगा, तो x की जगह हम x का मैट्रिक्स लिख देंगे, तो x y आ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी 17 और 7 ओवर 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4, तो ये दो वैल्यू जो है वो इसकी आ गई, ये हमने क्या कर लिया कि ये हमारे पास आ गए x और y की वैल्यू। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ बच्चे इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि बेटे हमें बुक के जो एंड पे एक्सरसाइज है उसमें सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में उन्होंने नहीं लिखा हुआ, हम भी नहीं लिखेंगे, और जब तक बोर्ड वाले कहें ना आपने भी जवाब सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में नहीं लिखना। चलें, यहाँ पे एक मिस्टेक थी, ये 1/10 था, यहाँ इसको 1/4 कर लीजिएगा जब आप इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएं, 4 क्वेश्चंस भी बिल्कुल पहले सवालों की तरह है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, 3 जो है वो आप खुद कीजिएगा, इसके अलावा 5 to 8 जो है वो भी आप लोगों ने, चलें क्वेश्चंस 4 देखते हैं, 3 आप लोगों ने खुद करना है, इसको भी मैट्रिक इन्वर्शंस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7,
तो मैं जब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, बेटे एक बात याद रखना है, जो जो स्टेप मैं करता जा रहा हूँ आपने हर सवाल के वही वही स्टेप करना है, बाकी बहुत आसान है, उसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। एंड पे सिर्फ आपको एक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा ए मैट्रिक्स का उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे जवाब आसान हो जाएंगे, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू, पहले आपने इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये यहाँ से हमने लिया है, ठीक है, और एक्स वाई यहाँ से आ गया क्योंकि दोनों में एक्स और वाई है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें क्या है 4 और 7 लिख दिया, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास मैट्रिक्स की, ये एक्स की मैट्रिक्स की वैल्यू ये आ गई, बी की ये आ गई, ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि फार्मूला लिख लेते हैं मैट्रिक इन्वर्शंस मेथड का, मैट्रिक्स इन्वर्शंस मेथड का, तो इसमें एक्स की वैल्यू मालूम, एक्स जो होता है वो इक्वल टू होता है ए इन्वर्स टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई बी, ये हमने इसको इक्वेशंस वन कर दिया। अब हम क्या करते हैं ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन अपने पास से लिखेंगे और दूसरे डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3s are 12 आ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 आ जाएगा, तो 12 पहले वाले इसका वैल्यू का आ गया और इसका भी क्या है 12 है, लेकिन इसके तीन साइन है तो इसलिए ये माइनस का रहेगा, तो ये 12 और 12 आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। बेटे आपको पता है कि एंड पे हमने डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करके मैट्रिक इन्वर्जन मेथड को, तो जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हर चीज़ क्या हो जाएगी इन्फिनिटी में चले जाएगी और उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, क्यों हम इसलिए फिर हम यहीं से लिख लेंगे, आगे करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से में मौजूद ही नहीं है, या इससे हम उसका सोल्यूशन मालूम ही नहीं कर सकते क्योंकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है 0 आ गई है। ठीक है बेटे, ये समझ आ गए, चलें नेक्स्ट। बेटे इसके इस मैंने एक्सरसाइज 1.6 के पहले क्वेश्चंस के जो हैं वो आपको क्वेश्चंस 1, 2 और 4 करवाया, 4 मैंने इसलिए करवाया कि वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सवाल तकरीबन पहले दूसरे सवाल की तरह हैं, वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है, और डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ईच डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस 1 ऑन योर नोटबुक, आपने क्वेश्चंस 1 के रिमेनिंग पार्ट जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं, ठीक है, और अगर इसमें कोई मुश्किल हो तो मैं नेक्स्ट आपको रिसोर्स के तौर पे एक रेफरेंस दिया हुआ है, इस रेफरेंस को आप क्लिक कीजिएगा और इसमें इस सारे जो एक्सरसाइज है या सारा यूनिट है इसकी की बुक दी हुई है, लेकिन बेटे पहले आपने खुद करने की कोशिश करनी है और फिर आपने इस रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ये एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, इसको सिर्फ ज़रूरत के वक्त यूज़ करें, लेकिन ख्याल रखें कि यहाँ 1 से लेके ये LT तक जो है अल्फाज के छोटे बड़े का चुनाव का ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि अल्फाज अगर छोटे बड़े आपने गलत कर दिया या कोई भी एक लेटर मिस कर दिया तो ये फाइल जो है ये नहीं खुलेगी। बेटे आपके जहन में कोई भी सवाल आ सकता है इन चीज़ों को पूछ के, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जो है वो कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है उसमें, उसके ज़रिए आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लास डिस्कशन ग्रुप में आप सवाल पूछ सकते हैं और मेल करके भी आप जो है मुझसे ये सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस करने से हिचकिचाए ना, हज़रत अली का कौल है कि अगर किसी बंदे ने सवाल करने की शर्मिंदगी उठा ली तो वो उसको ज़िंदगी में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बेटे ज़िंदगी में हम शर्मिंदा तभी होते हैं जब हमसे कोई चीज़ पूछी जाए और हमें ना आती हो, और जब हमने पहले शर्मिंदगी उठा ली किसी से सवाल करने की तो जाहिर सी बात है वहाँ हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो हम आसानी से बाद में पूछे गए सवाल को आसानी से जवाब दे सकते हैं और फ्यूचर में कामयाबी भी हमारी यही है, क्योंकि बोर्ड वाले भी सवाल ही पूछते हैं ना हमसे, तो अगर हमने पहले अपने टीचर से वो सवाल पूछ के समझ लिए होंगे तो हमें बाद में दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ी सी आपकी जो तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली इस एक्सरसाइज में मैंने इसलिए थोड़े से सवाल करवाए हैं ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकें। बेटे ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर हमने सिर्फ इसी एक्सरसाइज को कंसिडर करना है, तो ये वाली जो है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस एक्सरसाइज को होमवर्क पे कंप्लीट कर लीजिएगा।